हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाइड विशाल। गाइस आप लोग को पता होगा कि जिसने भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया है तो उसी के रिगार्डिंग जितने भी कैंडिडेट के फी रिफंड होने हैं तो उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था 6 तारीख की डेट में। और इस नोटिस में ये बताया गया था कि 11 अगस्त से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहाँ से जो कैंडिडेट हैं अपनी बैंक डिटेल को वहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उनको कोई नई बैंक डिटेल डालनी है तो वहाँ से उसको डाल के अपना फ़ी रिफंड वापस करवा सकते हैं। पर अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि जिसने ऑलरेडी बैंक डिटेल डाल रखा था जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया था, तो उन्होंने उस समय ही अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय ही बैंक डिटेल्स को डाल रखा था, तो क्या उनको दोबारा डालना पड़ेगा? तो इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि उनको दोबारा डालना है कि नहीं डालना है। और ये भी लोग पूछ रहे थे कि सर अगर मान लीजिए मैंने डाल दिया तो उसके कितने दिन बाद मेरा पैसा वापस आ जाएगा, तो सारी कुछ इस वीडियो में बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप नोटिस देख लो, जो नोटिस की डेट्स है ना वो 11 तारीख से स्टार्ट होगी, मतलब 11 अगस्त से कल की डेट से इसकी शुरुआत कर दी गई है। मैं इसका लिंक वीडियो को नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक कर लेना तो आप डायरेक्टली उस पेज पर पहुँच जाओगे जहाँ से इसको ऑनलाइन करेक्शन करने हैं। तो आप क्या करोगे, कल की डेट से स्टार्ट हो गए, ये चलेंगे 31 अगस्त तक रात के 12 बजे तक। 31 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया है, उस 31 अगस्त तक आप अपना यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दें, ठीक है? तो आपके सारी जितने भी बैंक डिटेल्स होती हैं, जो भी जैसे IFSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, आपको अकाउंट नंबर अच्छे से डालना है। पर आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, जो अकाउंट नंबर आप डालेंगे ना, तो अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है या फिर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली मेम्बर के या फिर अपने माता पिता के किसी के भी अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर जो अकाउंट नंबर आप डालना तो जो नेम वाला सेक्शन होता है ना वहाँ पे अपना नेम नहीं डालना, जिसका अकाउंट होगा ना उस अकाउंट होल्डर का नाम रख डालना, वरना आपका पेमेंट नहीं आ पाएगा। तो आप ये कोशिश करना जिसका भी अकाउंट नंबर डालना उसी का वहाँ पे नाम भी डालना। कुछ बच्चे ऐसी गलती करेंगे कि अकाउंट नंबर किसी और का डाल देंगे जिससे कि उनको पैसा उसमें मिल जाए, पर वो जहाँ पे नाम डालने वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे वो अपना नाम डाल देंगे। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है, ये जस्ट अकाउंट डिटेल्स आपको डालनी है। जो भी अकाउंट डिटेल्स आप दोगे पैसा उसी में आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप ध्यान रखना कि अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर अच्छे से डालना, क्योंकि रिफंड उसी में आने वाला है। और आपको लॉगिन करने के समय आपको क्या क्या इंटरफेस वहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले वहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। और जैसे प्रोवाइड करके आप लॉगिन करोगे तो आपको अगला इंटरफेस जो मिलेगा वो अकाउंट डिटेल्स का मिलेगा। आप वहाँ पे सारा अकाउंट डिटेल्स अपना फिलअप करोगे, ठीक है, रोल नंबर फिलअप करोगे, सारा कुछ वहाँ पे अच्छे से फिलअप करके उसको आप सबमिट कर दोगे। तो सबमिट करने के जस्ट आपको 1 हफ्ते या 10 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आपकी पेमेंट रिफंड हो पाएगी। और एक चीज़ अभी क्लियर कर दूँ, जो कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या सारे बच्चों को यहाँ पे अप्लाई करना है, कि जो बच्चे डिटेल्स ऑलरेडी डाल चुके थे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम उनको भी दोबारा डालना है। तो देखो मैं आपको बता दूँ, जितने भी बच्चे CBT 1 में अपीयर किए थे उन सभी को डिटेल्स फिलअप करने हैं दोबारा से। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, सारे बच्चों को यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी CBT 1 में अपीयर हुए हैं, चाहे वो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भर चुके हों अकाउंट डिटेल्स, लेकिन उन्हीं को रिफंड आएगा जो यहाँ पे दोबारा से फिलअप करेंगे, ठीक है? तो इसमें वही सब चीज़ें अच्छे से बता रखी है, ठीक है? और अगर आपको मैसेज भी नहीं गया है, आपको ईमेल पे कोई नोटिस नहीं गया है, फिर भी आप लॉगिन करके वहाँ पे उसको अप्लाई कर दें, ठीक है? क्योंकि मे भी आपको वो ईमेल रिसीव ना हुआ NTPC की तरफ से, रेलवे की तरफ से, तो फिर भी आप जाओ और अपना बैंक डिटेल्स वहाँ पे करेक्शन कर लो, ठीक है? जितने बच्चे CBT 1 में अपीयर किए थे सबको करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने ये बता रखा है कि सबको जाके वहाँ पे अकाउंट डिटेल्स फिलअप करने हैं, चाहे किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया हो या ना किया हो, सबको करने हैं, ठीक है, जितने भी CBT 1 में अपीयर हुए थे। तो ये इसमें यही सारा नोटिस है। और आपको टाइमिंग मैंने बता दिया है कि ये 11 तारीख से लेके 11 अगस्त से लेके, ठीक है, और 31 अगस्त तक ये चलेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप शो पर, मैं आपको एक बार यहाँ पे शो करके दिखा दूंगा, यहाँ पे आप देखिए इसको, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, लिखा है हु हैड अटेंडेड द CBT 1, जिसने भी CBT 1 अटेंड किया है उन सबको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जिसके गलत हुए हैं, जिनकी कोई प्रॉब्लम है केवल वही करें, नहीं, बिल्कुल सबको करने हैं, ठीक है? तो यही इस नोटिस में था। और कल से इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है, तो मैंने सोचा आपको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ। जितने बच्चे अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी कर दो, वरना लास्ट में क्या होता है साइट थोड़ा स्लो हो जाती है, ठीक है, तो दिक्कत आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जाके ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।